करनाल में बदमाशों का आतंक देखने को मिला, लेकिन पुलिस बदमाशों से दो कदम हर बार की तरह आगे निकली। दरअसल आज तड़के सुबह 3:15 बजे पुलिस ने इंद्री रोड स्थित गांव सलारू के पास नाकाबंदी की थी। तभी नहर की पटरी से दो बदमाश बाइक पर सवार होकर आए। पुलिस ने जब उनको रुकने का इशारा किया तो उन्होंने बाइक घुमाई और भागने लगी। इस पर उनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पर दो फायर कर दिए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किए। इस दौरान बाइक पर पीछे बैठे बदमाश की टांग पर एक गोली जा लगी। गोली लगने के बाद वो बाइक से गिर गया, वहीं दूसरा बाइक लेकर भागने लगा। पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए उसे भी धर दबोचा। जानकारी देते हुए CIA पुलिस के जांच अधिकारी जयपाल सिंह ने बताया कि वारदात के बाद मौके से उन्हें दो पिस्टल, एक खाली खोल, जिंदा कारतूस और बाइक मिली है, जिसे बरामद कर लिया गया है। बदमाशों की पहचान ऋषि और जश्न के रूप में हुई है। मुठभेड़ में ऋषि की टांग पर गोली लगी। पटली के ऊपर से दो लड़के नौजवान एक बाइक पर आते हैं। हमने उनको रोकने का इशारा किया तो पीछे बैठे लड़के ने हमारे ऊपर फायरिंग की। फायरिंग के दौरान फिर हमने रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसके ऊपर जवाबी फायरिंग हवाई फायरिंग की। हवाई फायरिंग के दौरान उन्होंने एकदम बाइक को काट दिया और हमने मतलब उन्होंने दोबारा हमारे ऊपर फायरिंग करने की कोशिश की, हमने भी फायरिंग की तो उसकी एक की टांग में लगी और गाड़ी मोटरसाइकिल जो ना गाड़ी की टक्कर लगने से दूसरे को काबू कर लिया और एक पिस्टल भी बरामद किया। एक पिस्टल वहाँ पड़ी है। रही तो टांग पर गोली लगी। हाँ, टांग में गोली लगी। कर्मचारी को तो नहीं, किसी को गोली नहीं, पुलिस कर्मचारी बच गए। तो सर ये कोई फिरौती का मामला था, वही मामला है क्या सर? ये तो अभी तफ्तीश का विषय है, तो बाद में बताएं। तो आप पर नाके लगा? हाँ, नाका लगा रखा था मैंने। तो पीछे आपने उनको रोकने की कोशिश? हाँ, रोकने की कोशिश करी और चेतावनी भी दी तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। फिलहाल ये सब जांच का विषय है कि ये बदमाश किन अपराधों में संलिप्त थे, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये वही दो बदमाश हैं जिन्होंने 2 दिन पहले करनाल के श्री रामचंद्र मेमोरियल अस्पताल के बाहर फायरिंग की थी। इन दोनों बदमाशों की CCTV भी सामने आई थी। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।